उचलो ना बाळा जेवायचं आपल्याला बड़ा देखता नहीं भारी वाटतं। जय हिंद रेस्टॉरंट है बघा आपण आलेलो आहोत जय हिंद फैमिली रेस्टॉरंट। हाँ नहीं नहीं नाउ वी आर इन जय हिंद फैमिली रेस्टोरेंट। गाइस अभी हम लोग कोप्पल सिटी में है, यहाँ से हम्पी 30 किलोमीटर है, तो हम लोग थोड़ा लंच करेंगे जय हिंद रेस्टोरेंट में और फिर आगे हम्पी के लिए निकलेंगे। और मैं बता दूँ पूरे ट्रैवलिंग में ना श्री इतना सोया है, अभी तो रात को नींद नहीं आएगी इसको। हाय बोल रहे। अरे भार्गवी आपका बस एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा, मैं भी सोई थी, ये भी सोए थे। आप भी सोए थे? ओके 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 चलो 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 चला। अरे बाप रे बैठने के लिए भाई। गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया, वहाँ पे लंच किया और अभी हम लोग निकल चुके हैं हम्पी के लिए। और अभी हम लोग इस रोड का नाम है NH50। तो चलो अभी हम हम्पी चलते हैं, अभी 33 मिनट्स है हम्पी के लिए, तो लेट्स गो। हम लोग हमारे होटल में आ गए, फिर हम लोगों ने फ्रेश हुए, उसके बाद रेडी होकर अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, उसके बाद सनसेट देखने जाएंगे, उसके बाद स्टेप वेल देखने जाएंगे। सो लेट्स गो। और श्री का है, श्री हाय बोल। हाय हाय हाय। चलो तो हम लोग जाते हैं सब मार्केट, सनसेट और स्टेप वेल देखने। ओके विचार की हाय शुभंगला विचार की कशाला? अरे पुसाला आजच काय मी सुरू भाषण नाही तुम्ही बाबा इतकं काय एक्साइटेड अरे खूब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्या? एक्साइटमेंट दिख रही है। हाँ तू स्वतः बोलना इधर ही बोलते एक काम कर मंदिर बैठे मोबाइल अभी हम लोग आ चुके हैं ससी केवालू गणेशा टेम्पल जो एक सिंगल रॉक में बनाया हुआ गणेश टेम्पल है ना। इसमें 8 फीट की आपको मूर्ति देखने को मिल जाएगी, आइडल देखने को मिल जाएगी। एंड सेकंड मतलब ये विजयनगर के सेकंड राजा जो थे नरसिम्हा जी उन्होंने ये बनाया हुआ था। तो यहाँ पे ये गणेशा टेम्पल है, उसके सामने कुछ रूइंस ऑफ हम्पी। रूइंस मतलब आपको तो पता होगा कि जो मुगल्स ने आकर जो डिस्ट्रॉय किया था हम्पी को, उसकी आपको जो बच्चे कुछ जो अवशेष आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक 10 मिनट्स 15 मिनट्स हम लोग ये कवर कर लेंगे एंड देन वी विल मूव फॉर द विरूपाक्षा टेम्पल। चल हाय गाइस, सो हम लोग आए हैं विरूपाक्ष टेम्पल और अभी पूरे हम्पी में सबसे इम्पोर्टेंट जो टेम्पल है वो विरूपाक्ष टेम्पल है। ये शिव जी का मंदिर है। तो चलो हम लोग अंदर चलते हैं। ये मंदिर सर आपको कैसा लग रहा है? बस बहुत अच्छा। ओके चलो आ जाओ। एक मिनट मीनाक्षी मैम, आपका फीडबैक ओवरऑल ट्रिप के बारे में। अभी तो ट्रिप स्टार्ट हुई है और मुझे और बहुत यहाँ पे घूमना था, बट थोड़ा मुझे लगता है टाइम थोड़ा कम मिला है। आई थिंक मुझे कल वापस आना चाहिए ये सब पूरा घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग को एक 4-5 घंटा तो चाहिए ये सब घूमने के लिए। इतना व्यू, इतना शांत व्यू, इतने पत्थरों से पूरा भरा हुआ, ऑलमोस्ट अमेजिंग। माहिती आहे हे दर्शन देते सगळ्यांना 10 रुपये दिले की भारी तो दर्शन घेते इथं तुझ्या डोक्यावर मेळ ठेवेल। हां मला ठेवायचं आणि मला ना व्हिडिओ पण सगळे एकत्र घ्या असं माझं म्हणणं आहे। तो हम लोग अभी मंदिर में एंटर हो चुके हैं, तो चलो अंदर चलते हैं जल्दी। एक 2 नवऱ्याने का कपडे त्याच्याकडे मी फोटो पण घेते। बस असे स्टँड होते आणि समोरच हे होतं। ये ना मास्क अरे भाऊ मतलब मास्क झगड़े मास्क वाला रे अरे क्या इधर रंग गया। हाय अमित हर कभी बहुत सारे बाहर कर लिए। अभी हम लोग फाइनल फ्रॉम हियर कैलेंडर में बैक साइड ते नारळाचं श्री हात बरोबर ना बारीक बारीक इकडे पण माफ करा त्याचा फायदा तुम्ही अलाउड है का फोटोग्राफी? ये श्री पंपा देवी है। पार्टी ग्रेट बना के रखो। या मित्रांनो, हॅलो द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द कर्नाटक, विजयनगर एम्पायर. विजयनगर एम्पायर वेअर यू मस्ट हॅव हर्ड ऑफ तेनाली रामा, who was the minister in Krishnadevaraya dynasty. So no, Krishnadevaraya raja actually. This is